छत्तीसगढ़ के सड़कों का ये कैसा है हाल। पैदलों की छोड़ो, बाइक में चलना हुआ बेहाल। नेता हुए मालामाल, फिर भी सरकार कंगाल। कि गड्ढा है कि सड़क है, कि सड़क है कि गड्ढा है, चल बाबू संभल के, जिया धड़क धड़क है। नमस्कार, मैं रिपोर्टर आयान कुमार, कैमरामैन रविश कुमार के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल MTW न्यूज में। इस गड्ढेदार सड़क का एक फायदा तो है कि आप इसमें बरसात के दिनों में मछली पालन जरूर कर सकते हैं। इन्हीं गड्ढेदार जर्जर सड़कों के विषय में बातचीत करने के लिए आज हम एक क्षेत्रीय नेताजी को धर दबोचे हैं। आइए नेताजी से मिलते हैं और इन सड़कों के विषय में बातचीत करते हैं। हाँ तो नेताजी, ये जो सड़कों में गड्ढे हैं, जर्जर है सड़क, पानी भरे हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देख भाई, कहना का है, ये जो सड़क में ते गड्ढा देखा था, जर्जर देखा था, इला हमार जानबूझ के नहीं बना था। जानबूझ के? हाँ, काबर की ये में बहुत बड़ा लोकहित छुपल है। लोकहित? इसमें क्या लोकहित है नेताजी? देख बाबू, मुके लगे नवा नवा पत्रकार हस, अभी अभी सीखा था। देख, अगर रोड में गड्ढा रही और जर्जर रही तो गली कछुआ मन एकदम तेजी से, बढ़िया सड़क में तेजी से फुर फुर गाड़ी चलाएल, एकदम ऐसे गाड़ी चलाएल जिसे मन के पिछवाड़ा में आग लगी से, ऐसे जोर से गाड़ी चलाएल। तो गड्ढा, अगर सड़क में गड्ढा रही तो बाबू मन जोर से गाड़ी चला नहीं सके। तो जोर से गाड़ी अगर नहीं चलाई तो भाई रोड एक्सीडेंट भी कम हो, समझे? ये एक बहुत बड़ा लोकहित है। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है खराब सड़क के, जर्जर सड़क के, देख जर्जर सड़क रही तो इसमें धूल धाकड़ तो उड़बेज करी, और जब धूल धाकड़ उड़ी तो मजबूरी में पब्लिक हेलमेट जरूर लगाए, और हेलमेट लगाई तो अगर मान ले कुछ है दारू वारू पी पा के पटकाइयो गई तब वो मल्ला ज़्यादा चोट नहीं लगी, काबर की हेड इंजुरी बाद जाए। और तो एक चीज़ देख ले, उठा के वो रिपोर्ट है, मैं नहीं जानता हूँ, व्हाट्सएप में पढ़े रहे कि हमारे छत्तीसगढ़ में रोड एक्सीडेंट से मृत्यु दर सबसे कम है, काबर की हमारे छत्तीसगढ़ के रोड ऐसा है कि मैं तो जोरे गाड़ी चला ही नहीं सके। ठीक है, ये मैं व्हाट्सएप में पढ़े रहे। वाह नेताजी वाह, आपने तो वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, पूरे पब्लिक की आक्रोश को रोड के प्रति अपने पार्टी के हित में बदल दिए। हमारे पार्टी के खाली एक ही उद्देश्य है, देश हित और समाज हित। ठीक है बाबू, तो देख तो रिपोर्टिंग तो मोर ख्याल से होगी, सोते समझ गए हस मोर भावना। तो मौके जाना है भाई, और समाज हित के काम है, मिलत हूँ। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, मुझे नहीं पता था ये जर्जर गड्ढेदार सड़कें भी इतना जनहित का काम करती है। मैं रिपोर्टर आयान कुमार, कैमरामैन रविश कुमार के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। जर्जर है सड़कें, उड़ेंगी धूल, पहनिए हेलमेट, मत बनिए कूल, और एल और रविश कुमार गेंदे का फूल।